इस वीडियो की टाइटल क्या दूँ, वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक, पंजाबी मेकअप लुक या फिर पार्लर जैसे मेकअप लुक, बिकॉज आज मैं थोड़ी बहुत पंजाबी की तरह लग तो रही हूँ, है कि नहीं? Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I am going to share with you all this makeup look right here, जो कि होगी पार्लर जैसे मेकअप लुक. अगर आप बिगिनर हो या अगर आपके पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है, तब भी आप ये मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज़ किया है एंड एक ही प्रोडक्ट को दो तीन तरीके से भी यूज़ किया है. एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप मुझसे कोई भी वीडियो के लिए बोल रहे हो, देन मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो वीडियो को अपलोड करने के लिए, बिकॉज आप जिस वीडियो के लिए बोल रहे हो मुझे उसके ऊपर पहले रिसर्च करनी पड़ती है, फिर मैं उसको अपने ऊपर ट्राई करती हूँ एंड देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो को अपलोड करते करते. इसके अलावा आपके पहले जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है, मुझे उन लोगों के वीडियोस को भी अपलोड करनी पड़ती है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. एंड सामने ही मेरी एग्जाम है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बिजी हूँ उसको लेके, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोज में अपलोड करूँ. सो फॉर इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू अचीव दिस मेकअप लुक राइट हियर, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. ऑल राइट, मैंने ऑलरेडी मेरे फेस को क्लीन कर लिया है एंड अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ जॉनसन बेबी की क्रीम. मेरी स्किन थोड़ी बहुत ड्राई हो चुकी है बिकॉज ऑफ द वेदर, तो इसीलिए मैं ये वाले मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ. आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर है आप वही यूज़ करें. अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करके देन मेकअप शुरू करना है. ये वाले पार्ट आपको कभी भी स्किप नहीं करना है. सेकेंड स्टेप इज प्राइमिंग. प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर के प्रोफेशनल प्राइमर. प्राइमर क्या करती है, ये हमारे स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग शील्ड क्रिएट कर देती है. इसके अलावा अगर आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है देन ये उसको मिनिमाइज करती है एंड एक फ्लॉलेस बेस क्रिएट कर देती है, जिससे कि जो फाउंडेशन है वो स्किन पे इजिली ब्लेंड हो सके एंड फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाती है. फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल ट्रू मैच सुपर ब्लेंडेबल फाउंडेशन. इसकी जो कवरेज है वो मीडियम टू हाई कवरेज है एंड इसकी प्राइस उतनी भी ज़्यादा नहीं है, तो आप अगर कोई भी अच्छी फाउंडेशन की सर्च कर रहे हो देन आप ये फाउंडेशन ले सकते हैं. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ तो मैं इसको हाथों से ब्लेंड कर लेती हूँ एंड ट्रस्ट में बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाती है एंड बहुत ही स्मूथ एक फिनिश आ जाती है स्किन पे, बिल्कुल भी पैची या फिर अनइवन नहीं लगती है स्किन. अभी मैं मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से जो फाउंडेशन है उसको सेट कर लूँगी. मैंने ऑलरेडी मेरी ब्राउज को ड्रॉ कर लिया है एंड अभी मैं यूज़ कर रही हूँ इन बाई वे एच डी स्पॉटलेस कंसीलर. इसको मैं मेरी आईलिड के ऊपर अप्लाई करूँगी. इससे क्या होगा, ये मेरी आईज के ऊपर एक बेस क्रिएट कर देगा ताकि जो आई शेडो कलर्स है वो और भी उभर के आए. अभी मैं सेम कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर लूँगी. अभी मैं मार्स 36 मैट आई शेडो पैलेट से ये दो ब्राउन शेड लेके मेरी ट्रांजिशन शेड की तरह अप्लाई कर लूँगी. अभी मैं ये वाली पिंक शेड लेके मेरी क्रीज को डिफाइन कर लूंगी. अभी मैं थोड़ा सा डार्क पिंक शेड लेके मेरी क्रीज पे अप्लाई कर लूंगी एंड बाकी तीन कलरों के साथ उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. अभी मैं मेरी आईलिड के ऊपर थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूंगी एंड उसको मेरी फिंगर की मदद से ब्लेंड कर लूंगी. जहां पर मैंने कंसीलर लगाई थी वहां पर ये वाली ऑरेंज शेड को मैं अप्लाई कर लूंगी. अभी मैं ये ब्लैक एंड ये ब्राउन शेड मेरी आउटर वी पर अप्लाई करूंगी एंड उसको बाकी कलर्स के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. अगर आप बिगिनर हो देन कभी भी ब्लैक आई शेडो को डायरेक्टली अप्लाई मत करना, उसके साथ ब्राउन आई शेडो को मिला के देन अप्लाई करना. इससे ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है बिकॉज ब्लैक आई शेडो को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है, अदरवाइज मेस क्रिएट हो जाती है. अभी मैं एक फ्लफी ब्रश लेके सारे शेड्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. अभी मैं एक पेंसिल ब्रश में डार्क पिंक शेड लेके मेरी लोअर लश लाइन पे अप्लाई कर लूंगी. फिर मैं अप्लाई करूंगी एक ब्राउन शेड. अभी मैं लैक्मे इंस्टा आईलाइनर से एक स्मॉल विंग आईलाइनर लुक क्रिएट कर रही हूँ.
अभी मैं मेरे लोअर वाटर लाइन पे मेबेन कोलोसल काजल यूज़ कर रही हूँ एंड उसको एक ब्लैक आई शेडो से स्मच कर लूँगी। मैंने मस्कारा लगा के फॉल्स लैशेस पहन ली है। अभी बाकी की जो फेस मेकअप है वो कंप्लीट कर लूँगी। अभी मैं NYBA की लिक्विड कंट्रोल लेके मेरी नोज, चीक्स, जॉ, चिन सारे यूजुअल प्लेसेस को कंट्रोल कर लूँगी। हाइलाइटर के लिए मैं उसी सेम आई शेडो पैलेट से एक गोल्डन शेड लेके उसको एज अ हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। For my lipstick, I am using this beautiful pink shade from the brand Steak Wakey. And इन lipsticks की full review भी मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी share करूँगी. So please stay tuned for that. And this is my final look.